मूवी के स्टार्ट होते ही हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को एक बिल्डिंग के अंदर जाते देखते हैं। देखने को मिलता है कि इस बिल्डिंग में एक घोस्ट यानी एक भूत है। ऑफिसर्स जब एक दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो उनका हाथ ही जम जाता है। दरवाजा तोड़कर जब ये लोग एक मीटिंग रूम में जाते हैं तो वहाँ सभी लोग सभी चीजें बर्फ में जमी हुई थी सिवाय एक लोहे की बॉल के जो हिल रही थी। ऑफिसर्स जैसे ही इस बॉल को चेक करने के लिए उसे टच करते हैं यहाँ जमे हुए सारे इंसान टूटकर मर जाते हैं। बॉल के अंदर दो चमकती हुई आंखें दिखाई जाती हैं जो एक भूत की थी। जिसके बाद सीन कट होकर हमें 120 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें मिलवाया जाता है एक घोस्ट बस्टर की टीम से जो भूतों से लड़कर उन्हें पकड़ने का काम करते हैं और इस शहर की भूतों से हिफाजत करते हैं। अभी ये लोग कार से कहीं जा ही रहे थे कि इन्हें शहर में एक खुला भूत नजर आया। इस ड्रैगन जैसे भूत को अपने काबू में करने के लिए सबसे पहले फोबी अपनी कार से एक लेजर गन निकालते हुए बाहर निकलती है और लेजर से इस भूत पे हमला करती है, लेकिन भूत उसके काबू में नहीं आता। तभी उसका दूसरा साथी कार के अंदर से एक छोटी सी डिवाइस निकालकर इस भूत को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये लोग इसमें भी नाकाम रहते हैं तो कैली नामी इनकी टीम लीडर बड़ी ही होशियारी से अपने एक ड्रोन को इस भूत के ऊपर भेजते हुए फाइनली इस भूत को काबू में कर लेती है। इस भूत को पकड़ने के चक्कर में इनका ध्यान तो सड़क पे रहा ही नहीं था। सड़क पे ये लोग बहुत नुकसान कर चुके थे, इनका अपना एक्सीडेंट भी हो चुका था और इस सारे नुकसान की वजह से इन्हें मेयर के पास बुलाया जाता है, जो उनसे कहते हैं घूस बस्टर्स आप लोग शहर में बहुत नुकसान कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप लोग का काम रोक दिया जाएगा। जवाब में घूस बस्टर्स कहते हैं लेकिन हम तो शहर को भूतों से बचा रहे थे, लेकिन मेयर के मुताबिक ऐसा और चलने वाला नहीं था। मेयर सबसे पहले तो उनके ग्रुप से फोबी को निकालने को कहते हैं क्योंकि अभी उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है जो अभी इस काम के लिए मैच्योर नहीं है। घूस बस्टर मेयर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अपना फैसला सुना चुके थे। ये लोग अब केली के घर पर आते हैं जहाँ फोबी अपने ग्रुप से नाराज नजर आ रही है क्योंकि वो मेयर की बात मानते हुए उसे अपने ग्रुप से कुछ टाइम के लिए बाहर निकाल चुके थे। यहाँ घूस बस्टर्स उसे समझाते हैं कि बस 3 साल की तो बात है, फिर हम तुम्हें हर मिशन में साथ लेकर जाया करेंगे। यही केली के घर के बेसमेंट में इन्होंने एक पूरी पाइपलाइन बनाई हुई थी भूतों को कैद करने के लिए। अभी भी अपने कैद किए हुए भूत को यहीं पर डालने वाले थे लेकिन अचानक से ये मशीन काम करना बंद कर देती है। केली और उसका साथी बहुत ही मुश्किल से इस मशीन को हैंडल करते हैं और इस चीज में कामयाब हो जाते हैं कि बाकी भूत यहाँ से आजाद ना हो। स्क्रीन कट होकर हमें एक ऐसी शॉप दिखाई जाती है जहाँ भूतों से रिलेटेड चीजों को बेचा जाता है। यहाँ एक लड़का वही मेटालिक बॉल बेचने के लिए आया था जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। शॉपकीपर जैसे ही इस बॉल के अंदर किसी भूत को चेक करना शुरू करता है तो अचानक से उसकी शॉप में ही जलजला आ जाता है। हर चीज गिरने लग जाती है, यहाँ तक कि घोस्ट चेक करने वाली उसकी मशीन भी टूट जाती है। बॉल जहाँ रखी थी उसके नीचे टेबल भी फ्रीज होकर वो टूट कर बॉल वहाँ से नीचे गिर जाती है। इस बॉल की पावर का असर केली के उस घर तक भी हुआ था जहाँ पाइपलाइंस के अंदर वो लोग भूतों को कैद करते थे। अचानक से उसके घर में बहुत बड़ी दरार आ चुकी थी। यही ऊपर केली का दूसरा साथी उन्हीं के घर में एक भूत को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। वो लड़का जैसे ही भूत को पकड़ने लगता है भूत उसी के ऊपर से गुजरते हुए उसे चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। वो भूत के भागने की खबर जल्दी से जाकर अपनी टीम को बताता है और सभी उस भूत को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। फोबी को यही अकेला छोड़कर बेचारी अकेली फोबी यहाँ क्या करती। वो चेस खेलने लगती है तो नोटिस करती है कि एक भूत उसके साथ चेस खेलने लगी थी। पहले फोबी को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन अब अगर उसके दोस्त ही तो ये भूत ही सही। वो खेलना कंटिन्यू करती है और हैरान होकर अब भूत उसके सामने आकर उसे सवाल करती है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। वो भी कहती है अरे मेरा तो रोज का काम है। खैर अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि केली अपने घर पे एक घोस्ट इंजीनियर को बुलाती है अपनी भूतिया पाइपलाइंस को ठीक करवाने के लिए। इंजीनियर उनकी पाइपलाइंस देखते हुए कहते हैं कि एक मरतबा यहाँ पे हमला हुआ था लेकिन परेशानी की बात नहीं है, मैंने भूतों के लिए एक नया बेस बनाया है। वहाँ हम सब लोग मिलकर भूतों के ऊपर रिसर्च भी करते हैं और साथ वहीं की पाइपलाइंस के अंदर हम भूतों को कैद भी कर लेते हैं। ये जगह तो घोस्ट बस्टर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग थी। यहीं पर घोस्ट इंजीनियर घोस्ट बस्टर को एक ऐसी मशीन भी दिखाता है जिसके अंदर किसी भी भूतिया चीज को रखने से उसका भूत मशीन के जरिए ही बाहर निकल आता है। इस प्रोसेस के बाद भूत को कैद करने का काम भी इस मशीन ने खुद ही कर दिया। ये देखकर तो घोस्ट बस्टर्स
उससे इम्प्रेस ही हो गए। गोस्टबस्टर्स अब वापस अपने घर पर आ जाते हैं, जहां उन्हें एक और भूत को पकड़ने के लिए एक मिशन मिला था। वो भी दोबारा घर पर अकेली रह चुकी थी, जहां उसे इमरजेंसी एक होटल से भूत को पकड़ने के लिए कॉल आती है। वो अपने एक साथी के साथ उसे पकड़ने के लिए यहां से निकल चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि घोस्ट पेस के अंदर घोस्ट इंजीनियर ने अब उस बॉल को अपनी मशीन में रखा है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। जिस बॉल की पावर काफी खतरनाक थी, इस बॉल को मशीन में रखते ही ये बॉल जोर से हिलने लग जाती है। एक छोटा सा भूत इसके अंदर से निकलकर दूसरी मशीन में कैद होने के बजाय यहाँ से आसाद हो जाता है। जो देखकर जब घोस्ट इंजीनियर उस बॉल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसका हाथ ही जम जाता है, साथ ही वो मशीन भी। या कोई भी जो रेस्टोरेंट में भूत को पकड़ने के लिए आई थी, वो देखती है कि ये वही भूत है जो थोड़ी देर पहले उसके साथ चेस खेल कर गई थी। वो इस भूत को पकड़ने के लिए लेजर से इसके ऊपर हमला करती है, लेकिन भूत यहाँ से भाग जाते हैं और होटल का काफी नुकसान हो जाता है। अब उसको तो भूत पकड़ना वैसे भी मना था, इसीलिए वो नाकाम ही घर लौटती है, तो देखती है कि वो भूत उसके घर पे ही थी और उससे बातें भी कर रही थी। वो इनके घर की भूतिया पाइपलाइंस को देखकर हैरान थी। वो भी बताती है ये मेरे नाना की है पर हम यहाँ भूतों को कैद रखते हैं। इन्हीं की बातों के दौरान यहाँ अब वो भूत आता है जो मेटालिक बॉल से निकला था। अपने आप को जाहिर किए बिना उसने मेलोडी नाम की भूत से कोई बात की, जिसके जवाब में मेलोडी ने कहा तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हारा काम इस लड़की के जरिए करवा दूंगी। साफ जाहिर है कि मेलोडी नामी इस भूत का बार बार फोइबी के सामने आना को इत्तेफाक नहीं है। सब भूत मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। दिखाया जाता है कि फोइबी का एक साथी अभी भी उसी ग्रीन भूत को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। इससे पहले कि अभी भी वो भूत को पकड़ पाता, अचानक उनका घर जोर से हिलता है। ये सभी नीचे आकर जब चेक करते हैं, तो पता चलता है कि इनकी भूतिया पाइपलाइन को किसी ने फ्रीज करके तोड़ने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ घोस्ट पेस के अंदर घोस्ट इंजीनियर अपने साथियों को उसी मेटल बॉल के ऊपर बॉल से एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा था। जैसा कि जब इस बॉल को जलाया जाता वो तब भी मेल्ट होने के बजाय जम जाती थी, और अगर उसे भूतों के पास किया जाता था तो सारे भूत किसी मैग्नेट की तरह उसके पास आने लगते थे। ऐसी पावर्स रखने वाली कोई चीज इन लोगों ने पहली बार देखी थी। ये लोग अब इस बॉल के बारे में पता चलाने के लिए उस आदमी को बुलाने का फैसला करते हैं जो ये बॉल उनकी शॉप पे बेच के गया था। ये लोग अब इस मेटल बॉल के मालिक के घर पे आते हैं, जो इस मेटल बॉल के बारे में पूछने पे बताता है कि वो तो मेरी ग्रैंड मां की थी जो अब मर चुकी है। वो अब उन्हें अपने घर में बनी एक अजीब कमरे में लेकर आता है, जहां पर पुराने सोल्जर्स का सामान रखा हुआ था। ये लोग अब इस लड़की को लेकर अपनी लैब में आ जाते हैं, जहां एक इस लड़के को टेस्ट करने लग जाता है कि कहीं ये भी तो किसी भूत के साथ कनेक्ट तो नहीं है, या इसके अंदर भी कोई और पावर्स तो नहीं है। यहाँ ये लोग नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे इस लड़के के इमोशन चेंज होते हैं, वैसे ही उसके पीछे जले एक आग के लैंप पे असर पड़ता था। यहाँ दिखाया जाता है कि फोइबी उसी शॉपकीपर के पास है जो भूतिया चीजें खरीदता था। ये लोग भी उसी मेटल की बॉल की पावर्स को लेकर परेशान थे, जहाँ शॉपकीपर का असिस्टेंट आकर उन्हें एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में बताता है जो भूतिया चीजों के ऊपर ही बात किया करता था। साथ ही उनकी एक घोस्ट लाइब्रेरी भी थी। फोइबी को लगता है कि जरूर वो इस बॉल के बारे में कुछ जानते होंगे। ये सब उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं, और जैसे ही वो लोग उन्हें बॉल की फोटो दिखाते हैं, तो ये आदमी बॉल की पिक्चर देखते ही उसे पहचान चुका था। वो इस बॉल के ऊपर लिखी हुई लैंग्वेज को भी पहचान चुका था। वो इन्हें बताता है कि इस बॉल के ऊपर एंशियंट यानी पुरानी लैंग्वेज लिखी हुई है, और जरूर मेरे पास कोई ऐसी किताब होगी जो इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हमें इसका मतलब समझा सके। ये लोग अब बॉल की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हुए ये पता चलाते हैं कि इस बॉल के ऊपर एक बहुत ही ताकतवर भूत का राज है, जिसका नाम है गोरा का, जिसे आइस किंग के नाम से भी जाना जाता था। इस आइस किंग को दुनिया के एक बादशाह ने अपने पास बुलाया ताकि वो इस भूत की मदद से इस दुनिया पर हुकूमत कर सके, जिस काम में वो बादशाह कामयाब भी हो गया। लेकिन अब बादशाह के अंदर लालच आ चुकी थी, वो गोरा का को कैद करके उसकी ताकतें खुद लेना चाहता था। बादशाह को ऐसा करते देखकर गोरा का इंतहाई गुस्से में आ गया, और गुस्से में ही उसने बादशाह की पूरी फौज को बर्फ में जमा दिया। गोरा का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि अब वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था, और उससे इस दुनिया को बचाने के लिए फायर मास्टर्स सामने आए, जिनके अंदर आग को कंट्रोल करने की ताकत थी। उन्होंने आखिर में गोरा का को हरा कर उसे पिघला कर उस बॉल में बंद कर डाला, जिसके बाद से उस बॉल की हिफाजत करने की जिम्मेदारी फायर मास्टर्स की ही थी। यहीं पर ये आदमी फोइबी के साथियों को गोरा का की रिकॉर्डिंग भी सुनाता है। जब ये लोग रिकॉर्डिंग सुनी रहे थे, अचानक एक रेड कलर का घोस्ट उनके इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करते हुए वो सारी रिकॉर्डिंग पैक करके
एक कचरे के डब्बे में डाल लेता है। और जब सारे उस रिकॉर्डिंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं तो वो उस कचरे के बैग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। हारकर ये लोग जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकले तो वो रेड कलर का खोस यहाँ एक शेर के पुतले में था। इससे पहले वो शेर की शक्ल में इनके ऊपर हमला करता, कोई भी अपनी इलेक्ट्रिक गन से उसके ऊपर हमला करती है जिससे वो पुतला टूट जाता है। गोरा का की रिकॉर्डिंग फट जाती है और यहाँ दोबारा से तबाही होती है। इसीलिए फोइबी को दोबारा पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फोइबी की इस गलती की सजा अब पूरे घोस्टबस्टर ग्रुप को मिलने वाली थी। मेयर कहते हैं कि अब इस शहर में और घोस्टबस्टर्स काम नहीं करेंगे। यहाँ तक कि केली का घर भी सील कर दिया गया था जिसके अंदर जाकर ये लोग भूतों को कैद करते थे। साथ ही पुलिस ने घोस्टबस्टर्स की सारी लेजर गन भी अपने काबू में कर ली थी। यहाँ दिखाया जाता है कि वो घोस्ट लाइब्रेरी वाला इंसान यहाँ अब घोस्ट लाइब्रेरी वाले बॉल के मालिक के पास जाते हैं और बॉल के मालिक को बताते हैं कि तुम एक फायर मास्टर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी उस बॉल को संभाल के रखना, तुम्हें उसे बेचना नहीं चाहिए था, तुम्हें उसको बेचने की वजह से ही गोरा का इतना ताकतवर हुआ है। इससे पहले कि गोरा का अब इस दुनिया के ऊपर कोई मुसीबत ले आए तुम्हें अपनी पावर्स को जानना होगा, उन्हें एक्टिवेट करना होगा ताकि तुम उस बॉल को कंट्रोल कर सको। इस आदमी को तो कुछ पल नहीं पड़ रहा था। वो कहता है मैं कैसे करूंगा, मैंने तो आज तक कभी किया भी नहीं। वो जैसे ही उंगली का इशारा सामने जलती हुई आग पे करता है तो देखता है कि आग बिना किसी मुश्किल के उसके इशारों की तरह मूव हो रही थी। इस चीज ने तो उसे खुद भी हैरान कर दिया था। यहाँ फोइबी जो अपने ग्रुप को मुसीबत में डालने की वजह से काफी उदास थी, इसी उदासी में वो उस पुत से मिलती है जो उसकी काफी हद तक दोस्त बन चुकी है। फोइबी उससे कहती है कि मैं हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर देती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, जिसके जवाब में भूत कहती है अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उसको उन्हीं की घुस पे इसके अंदर ले जाकर कहती है आओ मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाती हूँ। वो फोइबी को घुस चैम्बर के अंदर भेजती है और मशीन को ऑन कर देती है जिसमें एक इंसान के जाने की वजह से उसकी बॉडी का भूत यानी उसकी रूह उसकी बॉडी से बाहर निकल चुकी थी। जिसके बाद ये भूत फोइबी से कहते हैं मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही हूँ। ये कहते ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पड़े मेटल बॉल के अंदर से अचानक कुछ काली ताकतें बाहर निकली जिन्होंने वक्त रहते ही फोइबी के जिस्म के साथ साथ उसकी सोल को भी अपने काबू में कर लिया था। और ये काली ताकत कोई और नहीं बल्कि गोरा का ही था। उसके आजाद होने की वजह से यहाँ काफी गड़बड़ी होने लगी थी। घोस्ट पेस के लोग जब यहाँ पे आते हैं तो वो गोरा का को देखकर उसके ऊपर अपनी लेजर गन से हमला करते हैं, लेकिन गोरा का इस लेजर गन को ही जमा चुका था। इससे पहले कि ये लोग गोरा का को पकड़ पाते गोरा का यहाँ से भाग जाता है। केली फोइबी को दोबारा से ठीक करती है उसकी सोल को उसके जिस्म में डाल के, जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोरा का फायर मास्टर्स के घर पे गया है जहाँ इतने साल गोरा का को कैद रखा गया था। यहाँ से गोरा का अपने सींग वापस लेकर अपने साथ लगा लेता है और उसकी ऐसे सारी ताकतें वापस आ जाती हैं और अब वो अपना बादशाह से पुराना बदला लेने के लिए तैयार था। जैसे वो पहले इस दुनिया को जमाना चाहता था, उसका मकसद आज भी इस दुनिया को जमा कर अपने कब्जे में करना था। देखते ही देखते वो पूरी दुनिया में बर्फीला तूफान ला चुका था। हवा सड़क हर जगह बर्फ फैल चुकी थी। शहर की ये हालत देखकर सभी घोस्टबस्टर घोस्ट बेस के ऊपर जमा होते हैं। घोस्ट लाइब्रेरी का मालिक यहाँ इन सबको बताता है कि ये जो बर्फीला तूफान आया है ये गोरा का लेके आया है और गोरा का को सिर्फ एक फायर मास्टर ही कंट्रोल कर सकता है और हमने फायर मास्टर भी ढूंढ लिया है जो उन्हें बिना किसी लाइटर के एक कैंडल को चला के दिखाता है। ये देखकर घोस्टबस्टर्स को उसके ऊपर कुछ ज्यादा यकीन नहीं था। वो घोस्ट इंजीनियर से कहते हैं कि हमें लेजर गन्स की जरूरत पड़ेगी जो सब पुलिस ले गई, और यहाँ घोस्ट इंजीनियर उन्हें लेटेस्ट मॉडल के कुछ सूट और लेजर गन दिखाता है जिससे आसानी से वो लोग भूतों से लड़ सकते थे। यहाँ इन सब घोस्टबस्टर्स को रोकने के लिए वो रेड घोस्ट यहाँ आया जो सभी मशीन्स को अपने कंट्रोल में कर सकता था, वो भी गोरा का के कहने पर। इससे पहले कि ये लोग बाहर निकल पाते वो रेड घोस्ट इन्हीं की एक लेटेस्ट मॉडल की कार को अपने काबू में करते हुए उसकी लेजर से यहाँ एक घोस्टबस्टर के ऊपर हमला करने लगता है। इससे पहले कि घोस्टबस्टर का साथी इस हमले से मर जाता यहाँ फायर मास्टर इस लेजर को अपनी पावर्स से बेंड करके उस बच्चे को बचा लेता है। जिसके बाद ये लोग जब खुद रेड घोस्ट के ऊपर अपनी लेजर से हमला करते हैं तो रेड घोस्ट एक पिज्जा के अंदर चला जाता है और यहाँ एक ग्रीन कलर का वो घोस्ट जो हमेशा से इनके घर से नहीं निकल पाया था वो इस पिज्जा के साथ इस घोस्ट को भी खा लेता है। एक से तो इनकी जान बचती है, जिसके बाद दूसरी भूत से निमटने के लिए फोइबी अपनी बेसमेंट में जाती है जहाँ ये भूत फोइबी से माफी मांग रही थी। वो कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके, मेरा मकसद सिर्फ अपने आप को आजाद करवाना था। फोइबी उसे कहती है कि तुम गलत हो, अच्छाई भी तो तुम्हारा रास्ता बन सकती थी, तुमने ये गलत रास्ता क्यों चुना,
जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया के इंसान मुसीबत में है। तुम देख तो रही हो, पूरी दुनिया के साथ सभी इंसान भी जम चुके हैं। अभी ये लोग यही बातें ही कर रहे थे कि पीछे से गोरा का दीवार तोड़ते हुए अंदर आ जाता है, जहां सभी घोस्टबस्टर मिलकर लेजर से उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन गोरा का सभी के लेजर जमा कर तोड़ देता है। गोरा का अब अपनी पावर से यहां पर वो पाइपलाइन भी तोड़ चुका था जिसके अंदर ये लोग भूतों को कैद करते थे। सारे भूत यहां से निकलकर जगह जगह शहर में फैलकर लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं, जो लोग पहले से ही बर्फ के अंदर जमे हुए थे। इससे पहले कि गोरा का यहां कोई और तबाही करता, कोई भी की वो दूसरी दोस्त भूत यहां एक माचिस की तीली जलाकर फायर मास्टर के आगे करती है। इस शोले को ये फायर मास्टर अपनी पावर्स की मदद से बहुत ज्यादा बढ़ाकर इसे गोरा का के ऊपर हमला करता है। गोरा का इस हमले से कमजोर होने लगा था। उसको कमजोर होता देखकर सारे घोस्ट मास्टर मिलकर अपने लेजर से उसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे वो उनके कंट्रोल में आने लग जाता है। उसे पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए एक घोस्ट मास्टर यहाँ पर उनकी घोस्ट को कैद करने वाली पाइपलाइन को ऑन करने को कहता है, जो पहले खराब हो चुकी थी। ये लोग किसी उम्मीद के चलते जब उसे ऑन करते हैं तो किस्मत से वो चल भी जाती है। ये मशीन अब गोरागा के साथ काफी सारे मॉन्स्टर्स को अपने अंदर हड़प कर गई थी। उसके कैद होते ही यहाँ उसकी सारी ताकतों का असर भी खत्म होने लगा था और इस दुनिया के ऊपर से बर्फ भी हटने लगी थी। फोइबी के दोस्त जिसने गोराका को हराने में उनकी मदद की थी, वो यहाँ फोइबी के सामने आकर उससे कहती है कि तुमने ठीक कहा था, अच्छाई भी आजादी का रास्ता हो सकती है, और देखो मैं आजाद हो गई। वो अब इस दुनिया से आफ्टर लाइफ में जा चुकी थी। ये लोग अब जैसे ही अपने घोस्ट बेस से बाहर निकलते हैं तो पूरा शहर उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए खड़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने इन लोगों की जान बचा ली थी। मेयर जो कि घोस्ट बस्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, मजबूरी में सब लोगों के सामने उसे भी घोस्ट बस्टर्स की तारीफ करनी पड़ती है। साथ ही वो फोइबी को भी उसकी टीम के साथ काम करने की इजाजत दे देता है, और इस बात से घोस्ट बस्टर का एक ग्रुप काफी खुश होता है। अब जैसे हम पहले जानते हैं कि गोरा का के घोस्ट पाइपलाइन के ऊपर हमला करने की वजह से काफी सारे घोस्ट आजाद हो गए थे, इसीलिए अब घोस्ट बस्टर्स के पास तो बहुत काम था इन सारे भूतों को पकड़ने का। जहाँ कुछ भूत किसी एक आदमी का ट्रक भी लेकर भाग गए थे, और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।